morning students, my name is Jina Shah. Welcome back to Swastik Academy's online classes. Today is a time to learn the third lesson of your moment book of your 9th standard. The name of the lesson is Ishwaran the Storyteller. Ishwaran naam ka ek aadmi hai jo ek storyteller hai, yani baat baat mein kahaniyan bana deta hai, baat baat mein nayi nayi kahaniyan sunata hai. उसकी कहानियाँ कैसे एडवेंचर, रोमांस, थ्रिल से भरी होती है. और हालांकि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नई नई कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट है. और वही यहाँ पे आर के लक्ष्मण ने इस स्टोरी में आपको बताया है. तो ईश्वर स्टोरी पब्लिश हुए हैं जो कि करंट टॉपिक के ऊपर होते हैं. काफ़ी फनी वे में, टॉन्टिंग वॉइस में अपने कार्टून के ज़रिए वो बताते हैं कि प्रशासन क्या गलत कर रही है या लोग क्या गलत कर रहे हैं. तो काफ़ी आर्टिस्टिकली वो करंट टॉपिक को छेड़ देते हैं. तो यहाँ पे आर के लक्ष्मण ने एक ईश्वर नाम का एक आदमी है उसके बारे में स्टोरी बनाई है जो कि एक स्टोरी टेलर है, ठीक है. तो देखें क्या होता है स्टोरी में, वो किस तरह की अचानक से चीज़ों को देखते ही स्टोरी बना देता है. तो वो कितना भले ही अनपढ़ है लेकिन कितनी ही सूझबूझ वाला इंसान है वो इस स्टोरी में हम देखेंगे. नाउ लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द स्टोरी सो विल हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश by a young man, Mahendra by name. ये जो स्टोरी है वो महेंद्र नाम का लड़का गणेश नाम के लड़के को बता रहा है, ठीक है. महेंद्र जो है वो गणेश को बता रहा है कि ये स्टोरी में क्या हो रहा है. He was a junior supervisor in a firm which offered on higher supervisor at various type of construction site, factories, bridges, डैम्स एंड सो. महेंद्र जो था वो जूनियर सुपरवाइजर था और उसकी जो कंपनी थी वो अलग अलग साइट पर ऐसे जूनियर सुपरवाइजर को भेजा करती थी, ठीक है. तो अलग अलग साइट होती थी, वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहा है, मतलब वो चीज़ें बन रही हो, जैसे कि ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट है वो, कहीं फैक्ट्री बन रही है तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है. कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे वेरियस सुपरवाइजर को भेजा करता था उनकी कंपनी वाले. तो कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट होती थी, यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, और बहुत सारी और. महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. महेंद्र की जॉब क्या थी, तो महेंद्र को वो करना होता था कि जो वर्कर्स हैं साइट पर उन पर नज़र रखनी होती थी. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज द ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. उसको हर प्लेस पे हर नए दिन मूव हो जाना पड़ता था, जैसे ही हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था उस तरह से. फ्रॉम अ कोल माइन एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कभी वो कोल माइनिंग एरिया में है यानी कोयले की खान में है, तो कभी रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर है, रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पर है. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू द केमिकल प्लांट. कभी वो केमिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है विच वॉज कमिंग अप समवेयर. कभी ना कभी कहीं ना कहीं केमिकल प्लांट का काम आ जाता है तो वहाँ पर चला जाता है. तो बार बार उसको अपनी प्लेस बदलनी पड़ती है, यानी वो एक सेटल लाइफ स्टाइल नहीं बिता पाता है, वो बार बार काम के जरिए में, काम के सिलसिले में उसको स्टेट या अपना घर बार बार बदलना पड़ता है उसको. ही वॉज अ बैचलर, शादीशुदा नहीं था. हीज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन. काफ़ी सिंपल था वो आदमी, उसकी ज़रूरतें, नीड्स यानी
जरूरतें भी काफ़ी सिंपल थी और वो अपने आप को किसी भी तरह की ऑड सिचुएशन में, ऑड कंडीशन में एडजस्ट कर लेता था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं बाथरूम नहीं है तो एडजस्ट कर लेता था, कहीं सोने के लिए बेड नहीं है तो एडजस्ट कर लेता था, कहीं टीवी नहीं है तो एडजस्ट कर लेता था। तो वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल देता था। वेदर इट वॉज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हाउस और मेकशिफ्ट कैमरा स्टैंड इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, अगर वो एक सर्किट हाउस हो जहाँ पे इल इक्विप्ड हो, यानी बहुत सारा सामान ना हो, बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट ना किया हो, वहाँ पे भी वो एडजस्ट हो जाता था और एक कैनवास के टेंट में भी वो रह लेता था। ठीक है, तो वो सर्किट हाउस जहाँ पे ज़्यादा सुविधा ना हो ऐसे सर्किट हाउस में भी रहता था और टेंट में भी रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज फूड, ईश्वरन, लेकिन एक मिलकत उसके पास थी, एक जायदाद उसके पास थी और वो था उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली व्हेरेवर ही वॉज पोस्टेड। ईश्वरन जो था वो उसको कोई कंप्लेन नहीं करता था और जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ ईश्वरन भी उसके साथ चला जाता था। ही कुक फॉर महेंद्रा, वॉश हिज क्लोथ्स, चैटेड वे विथ हिज मास्टर एट नाइट। वो महेंद्र के लिए कपड़े धोता था, खाना बनाता था और फिर रात को उसके साथ बातें भी करता था, चैट करना यानी बात करना। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरी एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। वो अनगिनत स्टोरियाँ बना देता था, वेव आउट करना यानी बनाना, ओके, बुनना। वो अनगिनत स्टोरियाँ मिनटों में ही बुन लेता था और फिर वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वेरियस टॉपिक पे वो एनेक्डोट दे सकता था, यानी सलाह दे सकता था, सॉल्यूशंस दे सकता था, इस तरह का वो आदमी था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ईश्वरन के पास भी एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, वो कहीं ना कहीं से वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट पैदा कर देता था, एक ऐसी जगह पे भी जहाँ पे दूर दूर तक कहीं शॉप नहीं है, डिसोलेटेड प्लेस है, यानी अनकनेक्टेड प्लेस है, यानी बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है, तो ऐसी जगह पे भी वो कहीं ना कहीं से कुकिंग इंग्रेडिएंट पैदा कर लेता था और खाना बना लेता। तो ये उसकी खूबी थी, खासियत थी। He would miraculously conjured up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at zinc-shaped shelter at a new workplace. वो जादुई तरीके से, miraculously, यानी जादुई तरीके से conjured up, यानी cook, बनाना, made, okay? तो जादुई तरीके से कुछ ना कुछ most delicious dishes बना देता था fresh vegetable में से उस जिंक शीट पर पहुंचने की घंटों बाद ही, एक दो घंटे में ही वो बहुत ही अच्छी डिशेस बना लेता था। तो ये उसकी खासियत थी, क्वालिटी थी। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी उठता, ब्रेकफास्ट करता और फिर काम पर निकल जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, वो अपना लंच साथ में लेके जाता था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब जब महेंद्र चला जाता था जॉब पर तो ईश्वरन क्या करता था, कपड़े धोता था, शेड को यानी घर को टाइडी अप करता था और फिर नहाता था, नहाते नहाते वो एक प्रेयर भी गाता था और बहुत सारे बकेट भर कर वो नहाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और ये सब करता तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, फिर खाना खाने के बाद लंच टाइम पर फिर वो रीडिंग करने बैठ जाता था और फिर डोजिंग ऑफ यानी सो जाता था थोड़ी देर। The book was usually some popular Tamil thriller running 200 of pages. वो book कौन सी book पढ़ता था, तो वो एक तमिल book पढ़ता था
काफ़ी थ्रिलर बुक हुआ करती थी और जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस यानी काफ़ी मोटी हुआ करती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल. वो बुक में इतना अच्छे से नरेशन दिया होता था, इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया होता था कि ईश्वरन उस बुक के साथ जकड़े रहता था, पकड़े रखता था. ठीक है, वो बुक ईश्वरन को पकड़ कर रखती थी. His own description were greatly influenced by comic author that he read. वो खुद जो स्टोरी सुनाता था और उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता था वो भी लगता था कि ये तमिल स्टोरी से ही, तमिल जो किताबें वो पढ़ता है उसमें से ही वो कुछ ना कुछ बना रहा है. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. वो छोटी सी छोटी बात भी इतने सरप्राइज और सस्पेंशन से बोलता था कि लोगों को इंटरेस्ट आने लगे कि हुआ क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि वो किस तरह से ऐसा करता था. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन अ हाईवे, ही वुड से, सीधा ही बोल देते कि हाईवे से जा रहा था, वहाँ पे एक उखड़ी हुई ट्री पड़ी हुई थी. लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं बोलता था सीधे सीधे, वो क्या बोलता था देखो आगे लिखा हुआ है. ही वुड से विथ आईब्रो सुटेबली आर्क, पहले तो वो आईब्रो को आर्क कर देता था, आर्क यानी ऐसे मोड़ देना. ठीक है, हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, हैंड्स जैसे ड्रामेटिक जेस्चर में खोल देगा वो. और द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, फिर वो अपनी कहानी शुरू करता कि रोड एकदम खाली था और मैं अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बस्टी बीस्ट लाइंग स्प्रेड स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. अचानक से मैंने कुछ देखा कि बहुत बड़ा सा बीस्ट रोड पर फैले हुए पड़ा है. ठीक है, आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मुझे इतनी बुद्धि थी कि मैं वापस चला जाऊँ यहाँ से. बट एज आई कम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास जाता गया वैसे वैसे मुझे पता चला कि ये तो गिरी हुई ट्री है. विथ हिज ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो ड्राई ब्रांचेस है वो फैली हुई वहाँ पे पड़ी हुई है. महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. महेंद्र जो था वो आराम से कुर्सी में बैठ जाता और ईश्वरन की स्टोरी सुनता रहता था अनसर्टनली यानी क्रिटिकली यानी इंटरेस्ट बिना, वो ऐसे ही बस सुनता था कि हाँ सुना तो कहानियाँ, और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है. तो इस तरह से महेंद्र ईश्वरन की स्टोरियाँ सुनता रहता था. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, जहाँ पर हम आए थे वो लकड़ियों के लिए काफ़ी फेमस जगह थी. ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू हो जाता, दिस इज अ रीच वुडी वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वो कहता कि ये बहुत लकड़ियों का फॉरेस्ट है. द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, लॉग्स जो है बड़े बड़े लकड़े जो है पेड़ के, उसको ड्रैग किया जाता है एलिफेंट के द्वारा और लॉरी में रखा जाता है, लॉरी यानी ट्रक. दे आर ह्यूज एंड वेल फेड बीस, ये जो एलिफेंट है वो ह्यूज है और अच्छे से उनको खिलाया पिलाया जाता है ताकि वो ताकतवर रहे, स्ट्रॉन्ग रहे. वेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, जब ये एलिफेंट वाइल्ड हो जाते हैं तो अच्छे से अच्छे महावत भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. आफ्टर दिस प्रोलॉग इन विच ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन एलाबरेटेड एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन एक जल्दी से एक स्टोरी सुना देता था एलिफेंट के बारे में. वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक टस्कर यानी एलिफेंट अपने टिम्बर यार्ड से भाग गया. टिम्बर यानी जहाँ लकड़ियों का काम होता था वहाँ से वो भाग गया. एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और फिर इधर उधर भागने लगा. स्टैम्पिंग ऑन द बुशेस, झाड़ियों को कुचलने लगा. स्टैम्प करना यानी उस पर पैर रख देना यानी उसको कुचल देना. टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो वो वाइल्ड क्रीपर्स थे उनको उखाड़ उखाड़ कर
कर फेंक रहा था वो घर को एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेज एट विल, और फिर ब्रांचेज को भी तोड़ रहा था वो पेड़ की. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. वो कहता है कि आपको तो पता ही है कि एलिफेंट पागल हो जाता है तो कैसा करता है. इतना कहते ही वो फ्लोर पर खड़ा हो जाता और एलिफेंट की तरह एक्टिंग करने लगता. वो अपने भी पैर कुचलता. इम्यूलेशन यानी कॉपी करना, ठीक है. तो वो बिल्कुल एक पागल एलिफेंट की कॉपी करने लगता था. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ अवर टाउन. वो कहता कि एलिफेंट हमारे टाउन के बाहर तक आ गया. ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक अ मैच स्टिक. वो जो फेंस हमने बनाई थी हमारे घर के आसपास, हमारे गांव के आसपास, उसको मैच स्टिक की तरह तोड़ दिया उसने. ही वुड कंटिन्यू. फिर वो आगे कहता, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स एंड मड पॉट्स एंड क्लोथ्स. वो रोड पर आ गया और सारी दुकानें तोड़ दी जहाँ पर फ्रूट्स और मड पॉट्स यानी मटके और क्लोथ्स बेचे जा रहे थे. पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक. लोग इधर से उधर पैनिक होकर भागने लगे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. अब वो एलिफेंट जो है वो ब्रिक वॉल को तोड़कर चिल्ड्रन प्ले एरिया में घुस गया. ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइटली. सारे बच्चे भागकर क्लासरूम में चले गए, दरवाजे बंद कर लिए. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net and kicking and flattening the drum kept for water. वो जो बीस था, वो जानवर जो था, वो वहाँ पे ग्रंट कर रहा था. ग्रंट करना यानी गुर्राना. एंड वॉन्डर कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था. उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया, फिर वॉलीबॉल की नेट फाड़ दी, फिर ड्रम जो पानी के ड्रम रखे थे उसको फुटबॉल की तरह किक करने लगा वो. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, वहाँ पे छोटे छोटे जो श्रब थे, झाड़ियाँ थी, उसको भी उखाड़ने लगा. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉश द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट. सारे टीचर टेरेस पर चढ़ गए और वहाँ से वो एलिफेंट की डेप्रेडेशन देख रहे थे, यानी एक्शन देख रहे थे, एक्टिविटीज देख रहे थे. देर वॉज नॉट अ साउल बिलो द ग्राउंड. एक साउल यानी एक आदमी भी नहीं था ग्राउंड पर. द स्ट्रीट वेर एम्प्टी. स्ट्रीट खाली हो गई थी. एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर. ऐसा लग रहा था कि उस टाउन के सारे इनहेबिटेंट, सारे रहने वाले अचानक से डिसअपियर हो गए हो. इट वॉज स्टडिंग. आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम. मैं जूनियर क्लास में उस वक्त पढ़ता था. एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. और मैं रूफ टॉप पर छत पर खड़ा खड़ा ये पूरा ड्रामा देख रहा था. आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली. अचानक मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं चला. I grabbed a can from the hand of the teacher and ran down. मैंने अपने टीचर के हाथ में से कैन यानी स्टिक यानी छड़ी उठाई और नीचे भाग गया. Run down the stairs and into the open. और फिर ग्राउंड में चला गया ओपन में. द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. एलिफेंट एकदम मुझे देखकर पागल हो गया, मैनेंस हो गया. और फिर वो उसने अपनी ट्रंक में जो ट्री की ब्रांच पकड़ी हुई थी उसको इधर उधर हिलाने लगा वो, ठीक है. इट स्टैंड इट्स फीट. वो अपने पैरों को पछाड़ने लगा. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. वो जब पैरों को पछाड़ रहा था तो काफ़ी धुआं उठ रहा था, काफ़ी कीचड़ उठ रहा था. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. ये बहुत डरावना लग रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स द स्टिक इन हैंड. और लेकिन मैं धीरे धीरे पता नहीं उसकी तरफ बढ़ रहा था और मेरे हाथ में एक छड़ी थी. पीपल वेर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप. आजू बाजू के हाउस पे जो लोग खड़े थे वो ये सीन को हिप्नोटाइज होके देख रहे थे कि क्या हो क्या रहा. एकदम मग्न होकर देख रहे थे ये सीन को.
द एलिफेंट लुक दैट मी रेड आई. एलिफेंट ने गुस्से वाली आंखों से मुझे देखा, लाल खून भरी आंखों से मुझे देखा. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, एलिफेंट रेडी था कि वो मेरी तरफ आएगा दौड़ कर. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपनी ट्रंक उठाई और जोर से ट्रम्पेट किया. ट्रम्पेट करना यानी रोर करना, जोर से चिल्लाया. एट द मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, जब वो ऐसे चिल्ला रहा था ऊपर करके तो मैं फटाफट से उसकी तरफ भागा. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मेरे में जितनी ताकत थी मैं उतना फोर्स लगा कर वहाँ पर भागा. वेन इट्स थर्ड टोनेल ऑन द वे, और फिर मैंने उसकी थर्ड जो टोनेल थी उसको बेंड कर दिया यानी उस पर मार दिया. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, द बीस्ट जो था वो जानवर जो था वो एकदम चौंक गया एक मोमेंट के लिए. एंड देन शिवर्ड फ्रॉम द हेड टू फुट, और फिर वो कांपने लगा सर से लेकर पांव तक. एंड कोलैप्स्ड, और फिर वो गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस समय ईश्वरन स्टोरी को अनफिनिश छोड़कर चला जाता. एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, इतना कहकर ईश्वरन वहाँ से चला जाता, कहता कि मैं खाना गर्म करके आता हूँ. आई विल बैक, महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग द रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्र जो इस स्टोरी को इतने इंटरेस्ट से सुन रहा है अब वो वहाँ पर हैंग होकर लटक रहा है कि ईश्वरन वापस आए और स्टोरी फिनिश करें. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. जब वो वापस आता है ईश्वरन तो तुरंत के तुरंत वो स्टोरी चालू नहीं कर देता है. थ्रेड ऑफ द स्टोरी यानी तुरंत वो स्टोरी सुनाना शुरू नहीं करता है. महेंद्र would have to remind him that conclusion was pending. महेंद्र को हर बार उसको बोलना पड़ता था कि स्टोरी का अंत बाकी है, तू मुझे सुना. When a veterinary doctor was summoned to revive the animal, Ishwaran would shrunk casually. अब ईश्वरन एकदम कैजुअली बोलता था कि बाद में क्या होगा साहब. वो डॉक्टर को बुलाया, जानवरों के डॉक्टर को, उसको क्योर करने के लिए, रिवाइव करना यानी क्योर करना. टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स माहौल टू द जंगल, दो दिन के बाद वो उसका माहौल आया और उसको जंगल में लेकर चला गया. Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? अब महेंद्र पूछता था कि तुमने ये कैसे किया, तुमने इतने बड़े जानवर को कैसे गिरा दिया. इट्स हैड समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सो, कराटे और जुजुत्सु इट इज कॉल्ड. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर एंड टेम्पररीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी. अब वो कहता था कि ये जापानीज आर्ट है सर, कराटे बोलते हैं या जुजुत्सु बोलते हैं जिसे, और मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था तो तुरंत ही मैंने उसको एक्शन में कर दिया. और जब मैंने पढ़ा था कि ये एक्टिविटी करने से वो जो एनिमल है वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है, उसकी नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाती है. तो यहाँ पे आपने देखा कि ईश्वरन किस तरह से छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा करके स्टोरी के रूप में बताता है. ठीक है, तो आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए घर पर रहिए और सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए. थैंक यू.